Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Atri and I make videos related to makeup, skincare reviews, hauls, etc. So if this is something interests you, make sure to subscribe to my channel. Now without any further ado, let's get started. Now from the title, you know, ये वाला जो review होने वाला है, ये होने वाला है newly launched Swiss Beauty के on the move lip palette के. Now इसके अंदर इन्होंने चार पांच variants निकाले हैं, but मेरे पास दो variants हैं. So एक जो है वो है न्यूड और एक जो है वो है बोल्ड. तो मैंने दो वेरियंट्स लिए थे एंड ये रिटेल करते हैं 249 रुपीस के. जैसे आपको इनर पैकेजिंग पे सब कुछ मेंशन होगा. टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, पहले तो मैं इसके आउटर पैकेजिंग की बात करती हूँ, जो कि इस तरीके से आता है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में. ना इसके अंदर आपको लिखा है ऑन द मूव पैलेट, ऑन द मूव लिप पैलेट, 9 कलर, हाई पिगमेंट, लॉन्ग लास्टिंग, क्रीमी मैट. एंड यहाँ पे आपको सारे डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग मिलेगा. अगर आपसे ये खो भी जाता है, सो एवरीथिंग एल्स इज रिटन ऑन दिस पैलेट. दिस इज मेड इन PRC एंड आप इसको 4 इयर्स तक यूज कर सकते हो. 2025 तक इजीली यू कैन यूज इट. 249 का एक पैलेट आपको मिलता है एंड ये मेड इन PRC है. मैंने इनको फ्लिपकार्ट से लिया था, आई थिंक 199 ईच का. सो या, दीज आर द पैलेट्स विद मी. सो गाइज, लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्वॉचेस फर्स्ट एंड उसके बाद आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दीज पैलेट्स. इसके अंदर कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ कि ये क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है या क्या है. नथिंग एल्स इज मेंशन्ड ओवर हियर. यस, यू डू गेट इंग्रेडिएंट लिस्ट, बस उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. एंड जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से आती है. बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग मुझे लगी इसकी. एंड इस तरीके से आपको कुछ शेड्स रिसीव होते हैं. ना 5 ग्राम का नेट प्रोडक्ट है, 9 आपको शेड रिसीव होते हैं. इसके साथ कोई आपको अलग से ब्रश नहीं मिलता. सो मैंने यहाँ पे ये पूना स्टोर लोकल स्टोर ही है कोई, उसका ब्रश यूज किया. आप कोई भी लिप ब्रश यूज कर सकते हो, कोई भी इस तरीके से छोटा सा ब्रश यू कैन यूज टू अप्लाई. बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर्स, लाइक मुझे जो ये न्यूड कलर पैलेट है ये बहुत ही मुझे सुंदर लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं. सो इफ आर समवन हु लाइक्स न्यूड शेड्स, यू कैन गो फॉर दिस वन. मेयर एंड NC42 हूं मैं थोड़ा सा. आई एम नॉट वेरी डीप, बट देन मैं मीडियम से थोड़ा, यू कैन से आई एम टूवर्ड्स डस्की स्किन टोन. तो मुझे ये वाला शेड जो पैलेट है काफी अच्छे से सूट करता है. एंड कुछ कुछ मुझे रेपिटेटिव शेड लगते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला शेड. एंड अदरवाइज जो बाकी शेड्स हैं वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं मेरे फेस पे. दीज आर क्रीमी मैट्स, तो डेफिनेटली दिस विल ट्रांसफर. दे डोंट हैव वेरी पिक्यूलियर फ्रेग्रेंस. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब यू कैन से दैट इट इज फ्रेग्रेंट फ्री. इसका जो दूसरा वेरिएंट है, जो कि है थोड़ा सा बोल्ड वेरिएंट, ये भी मुझे बहुत पसंद है. स्पेशली द शेड्स, दीज आर फॉर इंडियन स्किन टोन. बट अगर आप मेरे को एक चूज करने को बोलोगे, आई विल चूज द न्यूड वन, बिकॉज आई रियली लव द शेड्स. यू डोंट गेट दीज टाइप ऑफ शेड्स वेरी इजीली. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बहुत ही क्रीमी है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. आप इसको 2 घंटे में आई थिंक दिस विल गो ऑफ. एंड दीज आर हाइड्रेटिंग ऑल्सो. अगर आपने लिप बाम नहीं लगाया, स्टिल यू कैन यूज देम.
एंड काफी क्रीमी है गाइस, यू कैन सी जो मैंने स्वॉच किया था ना, दे आर लाइक सो बटरी, सो क्रीमी. प्लीज डोंट माइंड माय लिप्स का अराउंड का एरिया, बिकॉज आई स्वॉच 18 लिप कलर्स मैंने स्वॉच किए हैं इस वजह से. सो ऑल इन ऑल आई लव देम फॉर द प्राइस, बट दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी. बट 249 रुपीज में ये काफी अच्छा है. आई वॉन्ट टू रेट देम 4 out of 5. ओनली थिंग इज कि इसमें आपको ब्रश नहीं मिलता, तो आपको अलग से ब्रश कैरी करना पड़ेगा. जो मार्स का लिप पैलेट है, यू हैव अ ब्रश, बट मार्स का लिप पैलेट इज नॉट दिस मच क्रीमी. दिस इज लाइक वेरी वेरी क्रीमी. सो एंड काफी स्लीक है. मार्स का पैलेट इज इतना बड़ा, सो यू कैन जस्ट यू नो, जैसे नाम है ऑन द मूव, यू कैन जस्ट कीप दिस एंड देन कॉल इट अ डे. सो या दैट्स अबाउट इट. शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यूज ही आजकल मैं कर रही हूँ, सो दैट यू गाइज आर नॉट बोर्ड. सो दैट्स अबाउट इट गाइज. अभी आने वाले वीडियोज में और भी मैं रिव्यूज करने वाली हूँ, सो कीप एन आई फॉर दैट. नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू गाइज टेक केयर. बाय.